हे हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद फिर से शुरू किया है वीडियो डालना। बीच में काफ़ी बिजी था, सेमिनार वगैरह इस सब में और ट्रेनिंग वगैरह में। तो आज का जो टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। अक्सर जो बिगिनर्स है जिम जो पहले पहले ज्वाइन करते हैं, तो उन लोगों का मतलब मन में एक डाउट होता है कि हम लोग अगर जिम छोड़ देंगे, अगर जिम हम एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, तो उसके बाद हम मोटे हो जाएंगे या फिर वेट गेन हो जाएगा, बॉडी में फैट्स गेन हो जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे मतलब वगैरह वगैरह उन लोगों के दिमाग में चलता रहता है। तो वो आते पूछते ट्रेनर लोगों को काफ़ी मतलब अभी तो कर रहे हैं या फिर जिम ज्वाइन करने से ही डरते हैं। मतलब घर में कोई आपको बोल देता है कि आप जिम कर रहे हो, जिम करते टाइम पे अच्छे दिखोगे, और जिम छोड़ दोगे तो काफ़ी मोटे बन जाओगे या फिर आप मतलब सब सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से जिम कर रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, तो बॉडी आपका धीरे 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 चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, तो बॉडी आपका बेनिफिट में ही जाएगा। 1% 2% अब थोड़ा सा तो बेनिफिट में ही जाएगा, कुछ लॉस नहीं है आपका, बॉडी इम्प्रूवमेंट होगा ही। अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप देखो डाइट के ऊपर। आपका डाइट अगर ठीक नहीं है, अगर आप कैलोरी बर्न जितना कर रहे हो, आप इनटेक भी उतना कर रहे हो, या फिर आपका डाइट में मतलब काफ़ी मिस्टेक्स है, तो फिर आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा जिम से, ठीक है। तो होता क्या, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जब हम जिम नहीं करते हैं या फिर हम जिम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? तो जिम छोड़ने के बाद अगर आपका वेट पुट ऑन होता है, आप मोटे होते हो, तो उसमें जिम या फिर एक्सरसाइज का कोई गलती नहीं है। उसमें मिस्टेक्स क्या है, जब आप जिम छोड़ देते हो लेकिन आप कैलोरी इनटेक करते रहते हो, मतलब कैलोरी इनपुट तो हो रहा है लेकिन कैलोरी बर्न प्रोसेस तो बंद हो गया आपका। जैसे आप जिम करते टाइम पे आपका पहले पहले स्टेमिना बढ़ता है, उसके बाद स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसके बाद आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है, तो वैसे आप जब जिम बंद कर दोगे तो धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस लेवल लो हो जाएगा, आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ स्टेमिना कम होने लगेगा, और आप मसल टिश्यू, हम एक्सरसाइज के टाइम पे मसल टिश्यू डैमेज करते हैं, तो आप अच्छा सा डाइट लेते हो तो मसल टिश्यू रिपेयर होता है, तो ग्रो करता रहता है, तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। कोई कोई सोचता है कि अच्छा बॉडी बना लेंगे उसके बाद सिर्फ प्रोटीन खाते रहेंगे तो बॉडी मेंटेन होगा, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जिस मसल को ट्रेन करते हैं तो हमारे मतलब बॉडी में वो मसल फाइबर ब्रेक होता है, तो हम जब अच्छा खाना खाते हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह जाके उसको रिपेयर करता है, हम अच्छे से सोते हैं तो रिकवरी होता है बॉडी, तो वैसे मसल फाइबर बनते 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 मतलब आपका बॉडी एक शेप में आ जाता है, फुलर लुक आ जाता है, बॉडी का परफेक्ट एक टोन शेप बन जाता है। जैसे हम छोड़ देते हैं तो वो प्रोसेस बंद हो जाता है, क्योंकि मसल डैमेज नहीं करो, तो जो खाना खा रहे हो वो मतलब रिपेयर प्रोसेस में नहीं जा रहे, थोड़ा टाइम के लिए वो हमारा अच्छा खा रहे हो तो वो बॉडी थोड़ा टाइम के लिए मेंटेन रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे स्ट्रेंथ चला जाएगा, आपका लो हो जाएगा, आपका एंड्योरेंस लेवल लो हो जाएगा, स्टेमिना लो हो जाएगा, जैसे आपने बिल्ड किया था, तो वैसे वैसे बॉडी से आपका धीरे धीरे करके वो सब कम होने लगेगा। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप में अगर आप अच्छे कच्चा वाला बॉडी आप बना लिया था, तो लेकिन उसके ऊपर आपका ब्लोटिंग शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, स्किन में धीरे धीरे फैट्स आने लगेगा, तो वैसे प्रोसेस में आपका बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल प्रोसेस में चला जाता है। और क्या होता है, जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो ब्रेन को पता नहीं होता है हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये नहीं है। जो हम मसल को एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन सोचता है कि हम डेली लाइफ में उस मसल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल में वो मसल ज़्यादा यूज होता है, तो वो मसल में मतलब मसल मास बढ़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रेंथ बिल्ड होना शुरू हो जाता है, तो वो है एक्सरसाइज, ठीक है। अगर हम किसी मसल को ट्रेन नहीं करेंगे तो ब्रेन हमारा क्या होता है, मतलब जितना कम बजट में बॉडी चलता है तो उसमें चलाना चाहता है, ठीक है।
मतलब क्या होता है, अगर आप किसी मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हो तो ब्रेन एनालाइज करता है, देखता है कि कौन सा मसल हमारा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर आप वर्कआउट करना छोड़ देंगे तो मसल अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो उतना मसल मास वो नहीं रखेगा, उसको कम कर देगा ताकि वो कम बजट में बॉडी चलता रहे। तो ऐसे आपका मसल मास धीरे धीरे करके, जो मसल्स का जो फुलर लुक है वो धीरे धीरे चला जाएगा, बॉडी में ब्लोटिंग, उसके बाद फैट्स, तो आप धीरे धीरे बॉडी आपका खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप वर्कआउट करो, आप बॉडी को अच्छे से मेंटेन करो, और इसमें जिम या फिर एक्सरसाइज का कोई गलती नहीं है, गलती है मतलब आपका लाइफस्टाइल का। तो आपका बॉडी में आपका लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट होता है। आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो तो बॉडी अच्छा बनेगा, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं खा रहे हो तो बॉडी आपका खराब होगा। सिंपल है, सिंपल बात है। तो किसी किसी को समझ में नहीं आता है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं ट्रेनर लोगों को, मेरे यहाँ पे आके बोलते हैं, मतलब आए अगर भैया जिम ज्वाइन कर ले, अच्छा बॉडी बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आया होगा। अगर आप लोग कुछ दूसरे टॉपिक के ऊपर कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर बोलने का कोशिश करूँगा अपने नॉलेज के हिसाब से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, तो मैं आपसे साथ कनेक्टेड रहूँगा नए नए टॉपिक के साथ, नए नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।